अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज मेरे ख्याल से रोज़ा थोड़ा सा भारी है, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है यार। एनीवेज बस अल्लाह पाक हिम्मत दे, हौसला दे कि हम सारे फ़राइज़ रमज़ान शरीफ के अच्छे से अदा कर सकें। अच्छा जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल आपका सर आसान के साथ डिस्कशन हो गया होगा ग्रेड के हवाले से, और कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो एक ब्रीफ डिस्कशन सारा आपका हो चुका है। हम लोग यहाँ पे अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है IS-16। सही है जी? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, और इसकी आज है फर्स्ट क्लास। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा जी, अब मुझे आप लोग यहां पे ये बताइए, जो भी बातें होंगी वो तो आगे होंगी, लेकिन सबसे पहले हम ये तो समझें कि ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है यहां पे, प्लांट का मतलब क्या है और इक्विपमेंट का मतलब क्या है। सर, प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, बहुत केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा बात को। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी में आता है, बोलिए शाबाश, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है जी। इसी तरह से प्लांट, एनी आइडिया, मशीनरी, और इक्विपमेंट, वो सारी मशीनरी जो यूज होती हैं प्रोडक्शन में, वो सारी मशीनरी जो यूज होती हैं प्रोडक्शन में, वो कहां पे आएंगी? प्लांट में। मैं यहां पे लिखूंगा ऑल काइंड्स ऑफ मशीनरी यूज्ड इन प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। तो सर, इक्विपमेंट में क्या मशीनरी नहीं होती? होती है। अब वो सारी मशीनरी जो कि यूज हो रही होंगी, बोलिए किधर? प्रोडक्शन में। वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? बोलिए प्लांट की। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? बोलिए प्रॉपर्टी। और सर, यहां पे इक्विपमेंट से मुराद क्या है? वो सारी मशीनरी जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होती, वो कहां पे आ जाएंगी? बोलिए इक्विपमेंट में। यानी कि मशीनरी अदर देन प्रोडक्शन मशीनरी। क्या ये बात समझ आई? सर, वो सारी मशीनरी जो इस्तेमाल होगी प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में, वो किस कैटेगरी में आएगा? प्लांट में। सर, और भी तो मशीनरी होती है। वो मशीनरी जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है, तो सर वो कहां पे आएगा? वो आ जाएगा बेटा किधर? इक्विपमेंट में। तो लिखेंगे क्या? मशीनरी अदर देन, बोलिए प्रोडक्शन मशीनरी। अच्छा जी, अब देखिए यहां पे जो हमने अभी बात की है प्रॉपर्टी के हवाले से, प्लांट के हवाले से और इक्विपमेंट के हवाले से, सर प्रॉपर्टी का या तो हम लोग बिजनेस में खुद इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है जी, या तो हो सकता है सर हम लोगों ने वो जगह जो बनाई, जो फ्लैट बनाए, बिल्डिंग बनाया, घर बनाया, ठीक, वो बनाया था बेचने के लिए, तो सर है तो वो भी प्रॉपर्टी, लेकिन ये कौन से स्टैंडर्ड में फॉल करेगी? अब आप मुझे बताइए, मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, कारोबार में इस्तेमाल हम लोग करेंगे, एडमिन के तौर पे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के तौर पे, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के तौर पे, फैक्ट्री बिल्डिंग के तौर पे, तो सर बिल्डिंग जो आप बना रहे हैं वो बना रहे हैं बिजनेस में यूज के लिए, ठीक है जी, तो बिल्डिंग भी किस में आ जाती है? प्रॉपर्टी में आ जाती है। दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि सर हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं बेचने के लिए भी, तो आप मुझे बताइए अगेन यहां पे भी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यानी कि पहले प्रॉपर्टी की बात हुई जिसको हम लोग बिजनेस में क्या कर रहे हैं? बोलिए इस्तेमाल।
दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी की, तो सर यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी बना क्यों रहे हैं? बोलिए, बेचने के लिए। सर दिमाग में एक और भी कुछ बातें आई, वो ये बात आई, सर हो सकता है कि हमने प्रॉपर्टी बनाई तो है, बिल्डिंग खरीदी है, जमीन खरीद के रख ली है, और हम लोग उसको दे देते हैं रेंट पे। तो आप मुझे बताइए, रेंट पे दे देना इसका मतलब बिजनेस में यूज करना है या नहीं? नहीं, बिजनेस में यूज करना अलग बात है, प्रॉपर्टी को बेचना अलग बात है, प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करना अलग बात है, सही है नहीं? प्रॉपर्टी को रेंट पे देना या प्रॉपर्टी खरीद के रख दिया, भाई इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलिए, बढ़ेगी। तो ये अलग अलग बातें नजर आ रही हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के हवाले से हमें तीन चार बातें यहां पे भी बजाहिर दिख रही हैं। तो सर IAS 16 में हम लोग यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं? क्या उस प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, या उस प्रॉपर्टी की बात करने हम जा रहे हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे, या उस प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं जिसको हम रेंट पे देंगे, या उस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं यहां पे जिसको हम लोग लेके रख लेंगे इस उम्मीद से कि भाई इसकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? बोलिए, बढ़ जाएगी। तो यहां पे जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यहां पे जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो मैं आपके सामने कुछ मेंशन कर देता हूं। अगर वो परचेज की गई है, परचेज फॉर यूज इन, बोलिए, बिजनेस, परचेज फॉर यूज इन बिजनेस, तो सर ये एक अलग मकसद है। अगर हमने सर खरीदा है परचेज फॉर, बोलिए, रीसेल, सही है नहीं? या परचेज फॉर सेल हमने खरीदी है, अगेन यहां भी बात किसकी हुई, प्रॉपर्टी की, या सर हम लोग खरीद रहे हैं फॉर रेंटल, यानी कि किसी और को रेंट पे देने के लिए, या तो हम लोग वो खरीद रहे हैं फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। यानी कि आप देखें यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग की बात हुई, तो लैंड एंड बिल्डिंग बेटा है क्या? बोलिए, शाबाश, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल या तो हम खुद कर रहे होंगे, या तो हम खरीद रहे होंगे, या बना रहे होंगे, किस लिए? बोले, बेचने के लिए। या तो हम लोग उसको खरीद रहे होंगे या बना रहे होंगे, किस पर्पस के लिए? सर हम किसी को रेंट पे देंगे, किराया आएगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ रही है और हमें इनकम भी मिलते चले जाएगी, या तो ये मकसद होगा, या तो साथ साथ हो सकता है ये मकसद हो कि सर हमने रेंट पे नहीं दिए लेकिन हमने प्रॉपर्टी खरीद के रख ली है और हमें पता है कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसका अल्टीमेटली बिजनेस को ही फायदा होना है। IAS 16 जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बात जो भी हम करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले जो टाइटल दिया हुआ है उसको तो हम समझें कि उसका मीनिंग एक्चुअल में है क्या, फिर आगे तो बहुत सारी हमने बातें करनी है। तो IAS 16 बेसिकली जिस प्रॉपर्टी की बात यहां पे कर रहा है वो कौन सी वाली प्रॉपर्टी है जो कि खरीदी गई है, जो कि बिजनेस में क्या होगा? बोले, इस्तेमाल होगा। तो इसका मतलब इसकी अकाउंटिंग जो होगी वो IAS 16 के मुताबिक होगी, और इसका नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो प्रॉपर्टी जो कि खरीदी है या बनाई है किस पर्पस के लिए? बेचने के लिए। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होगा वो होगा IAS 2, नाम क्या है? बोलिए, इन्वेंट्रीज, ठीक है जी। और वो प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने खरीदी है जिसको हम लोग रेंट आउट करेंगे, या जिसको चले रेंट आउट नहीं करेंगे, हमने लेके रख दिए है, हमें इंतजार है कि भाई आगे आने वाले वक्तों में इसकी कीमत में इजाफा ही होना है, तो सर वहां पे जो अकाउंटिंग होगी वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स का ही पार्ट है जिसका नाम है IAS 40। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जिसको तफसील से यहां पे देखा जाएगा, ठीक है जी। तो अभी तक देखिए हमने क्या बात डिस्कस की, IAS 16, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, फिर हमने दो चार मजीद और भी बातें कर ली। सर बिल्डिंग यहां पे मशीनरी प्लांट का मतलब क्या है? वो सारी मशीनरी जो कि यूज होंगी किधर? बोले, प्रोडक्शन में। और सर वो मशीनरी जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हो रही लेकिन वो है वो मशीनरी, तो वो सारी की सारी कहां पे आ जानी है? बोलिए, इक्विपमेंट में आ जाना है। यहां तक मेरे साथ हैं आप? अब सुनिए सर, बेसिकली IAS 16 के अंदर वो एरियाज जिसको हम लोगों ने कवर अप करना है वो एक दफा हम देख लेते हैं कि हमारे पास एरियाज कौन कौन से आएंगे।
पहला एरिया होगा ऑब्जेक्टिव कि भाई ये स्टैंडर्ड वजूद में क्यों आया, इस स्टैंडर्ड की दुनिया में आने की वजह क्या बनी। तो ये स्टैंडर्ड बेसिकली इसका नाम क्या है, बोलिए आई 16। ये वजूद में इसलिए आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा आई 16 के हवाले से, ये उसके बारे में आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, उसको गवर्न करेगा। यानी कि ये स्टैंडर्ड जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीपी के हवाले से जो भी अकाउंटिंग है ये उसको गवर्न करता है। तो उसके आने का दुनिया में मकसद क्या है कि सर ये पीपी की हमें क्या बताएगा, बोले अकाउंटिंग बताएगा। बेटा ये वाली बात समझ आ रही है, क्या बताएगा? पीपी की अकाउंटिंग बताएगा। ये बताएगा कि भाई पीपी की डेफिनेशन में ये आएगा, पीपी को तुमने रिकग्नाइज करना है ये आएगा, पीपी को जब तुम लेके आओगे उसकी कॉस्ट में ये चीजें आएंगी, कल को फ्यूचर में जो खर्चा होता है तो उसमें खर्चा ये कैपिटलाइज होगा, ये एक्सपेंस आउट होगा, कल को तुम एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हो तो उसकी अकाउंटिंग यू होगी, कल को तुम फॉर एग्जांपल एसेट को रीवैल्यू करते हो या कॉस्ट मॉडल में ले जाते हो तो वो उसके बारे में आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। यानी कि इस स्टैंडर्ड का दुनिया में आने का मकसद क्या है, ये स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीपी के हवाले से जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये उसको क्या करता है, गवर्न करता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव एक, दूसरी बात स्कोप, तीसरी बात हम बारी बारी इसको देखते चले जाएंगे। तीसरी बात हम यहां पे ले लेते हैं कि पीपी की डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होगी। इसी तरह से चौथी बात हम देखेंगे कि इसको रेकग्नाइज क्या होता है, पता नहीं, देखेंगे एक एक अल्फाज के पीछे हमने जाना है। इसको रिकग्नाइज जब किया जाएगा तो उसके बारे में क्या क्या बातें हमें बताई गई हैं। इसी तरह से सर रिकग्नाइज हो गया, फिर इनिशियली इनिशियल मेजरमेंट, के बारे में बातचीत होगी, फिर होगा सबसिक्वेंट कॉस्ट के बारे में बात होगी, फिर इसी तरह से सबसिक्वेंट कॉस्ट के बारे में बात हो जाएगी, फिर हम यहां पे बात करेंगे डेप्रिसिएशन क्या है, फिर आठवीं बात हम देखेंगे सबसिक्वेंट मेजरमेंट, सबसिक्वेंट मेजरमेंट, और फिर इसमें कुछ और बात आएगी। नंबर 9 पॉइंट यहां पे चले मेंशन कर देता हूं कि इसको जब डिस्पोज ऑफ करेंगे या डी रिकग्नाइज करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, और 10वां पॉइंट सर उसका डिस्क्लोजर क्या होता है, डिस्क्लोजर पता नहीं अभी तो नहीं मालूम सर उसमें क्या होगा वो हम देखेंगे। तो बेसिकली हमने बुक के हिसाब से तरतीब कुछ और होगी, वो भी हम देख लेते हैं बुक की तरतीब क्या है, और मेरी तरतीब कुछ और होगी, किसी और टीचर से पढ़ेंगे उसकी तरतीब कुछ और होगी। सही है, बात सारी है कि हमने कंटेंट कवर अप करना है अपनी तरतीब के हिसाब से। ठीक है बेटा, अब देखें सर सबसे पहली बात यहां पे क्या आ रही है, ऑब्जेक्टिव, जिसका मैं भी जिक्र कर ही चुका हूं कि इस स्टैंडर्ड का दुनिया में आने का मकसद क्या था। तो आपसे पूछा भाई तुम आई 16 कर रहे हो यार, ये कब आया, क्यों आया, वो क्या कैफियत थी या किस कैफियत में वो शख्स बैठा हुआ था जिसने बोला कि यार आई 16 जो है उसको लॉन्च करते हैं। तो अभी हमने बड़ी सिंपल अल्फाज में बात की कि आई 16 पीपी से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मैं क्या बोल रहा हूं, आई 16 पीपी से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये इसको क्या करता है, गवर्न करता है। आर वी क्लियर? दूसरी बात यानी कि इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो ये क्या बताएगा कि भाई पीपी की अकाउंटिंग जैसे भी होगी ना, इधर उधर झांका ताकी करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम किसके पास आओगे, मेरे पास आओगे, मेरा नाम क्या है, आई 16। अच्छा जी, हमने बोला ठीक है भाई आ गए आपके पास, हमने इनसे पूछा कि ये तो बताइए
क्या आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अलावा भी किसी और एसेट वैसेट को डील करते नहीं करते? तो उसने बोला, मैंने भी क्या बात बोली है, मेरा नाम क्या है, आई एस 16, और मैं सिर्फ किसकी अकाउंटिंग को डील करूंगा, बोलिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। तो इसका मतलब इसका स्कोप जो है, देखें एसेट्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसका भी एक लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप से मुराद ये कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगा? ऑल काइंड्स ऑफ, बोलिए, पीपीई ट्रांजैक्शंस। तो इसका मतलब एक बात यहां पे वाजे हो गई कि ये सारे एसेट्स को डील नहीं करता, ये सिर्फ किन एसेट्स को डील करेगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डील करेगा। ये वाली बात भी समझ आती है, ठीक है जी। अब सर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमें इसकी नजर आ रही है डेफिनेशन, अच्छा जी, अगर यहां तक काम आपने कॉपी कर लिया है तो चलें डेफिनेशन यहां पे भी आ सकती है, हम यहां पे मेंशन कर देते हैं, डेफिनेशन यहां पे किसकी बात हो रही है? पीपीई के हवाले से हम यहां पे बात करने जा रहे हैं। देखें ये जो स्टैंडर्ड है आई एस 16, हमने पीआरसी 4 में भी कुछ कुछ देखा था, लेकिन आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे जरा गुफ्तगू डिफरेंट अंदाज से शुरू हो रही है कि भाई पीपी क्या है और फिर स्कोप क्या है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर हम जरा फॉर्मल टच दे रहे हैं यहां पे, क्योंकि हम बाकायदे तौर पे स्टैंडर्ड के अंदर जो बातें गिवे हैं उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो बेटा पीपी की डेफिनेशन आप सब साथियों ने पीआरसी 4 में भी पढ़ी थी, सही है जी। तो कोई बता सकता है पीपी की डेफिनेशन में क्या क्या मोटी मोटी बातें थी? कुछ तो याद होगा वरीशा। टेंजिबल नॉन करंट एसेट। चले यहां पे मैं अपनी बात खुद शुरू करता हूं, अज्यूमिंग कि आप लोगों को रोजा लग रहा है। तो पीपी आर टेंजिबल एसेट, ठीक है जी। टेंजिबल यानी कि इसकी क्या होगी, बोलिए, फिजिकल फॉर्म होगी। क्या ये बात क्लियर है? इसमें हम नहीं जाएंगे। पीपी जो है वो टेंजिबल एसेट है। अब टेंजिबल एसेट जो है वो मूवेबल भी हो सकता है, सही है जी, मूवेबल भी हो सकता है और वो मूवेबल नहीं भी हो सकता। क्या ये बात समझ आई? सर जिस तरह से ये लैंड है, क्या ये मूवेबल है? नहीं। लेकिन जो फर्नीचर जैसे भी मैंने उसको मूव किया, इसका मतलब फर्नीचर भी क्या है? टेंजिबल है। और लैंड भी क्या है? बोलिए, टेंजिबल है। लेकिन ये एक जो है वो मूवेबल है, जैसे मैंने भी बात की इस फर्नीचर की, और जमीन जो है वो मूवेबल नहीं है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो टेंजिबल एसेट है, मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है। और तो और पहली बात सर, ये वो एसेट है जिसकी लाइफ, बोलिए, एक साल से ज्यादा की होगी। क्या ये बात समझ रहे? जिसकी लाइफ एक साल से ज्यादा की भी होगी। सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई जान ये जो है तुम्हें आगे आने वाले कई सालों में बेनिफिट देगा, यानी कि ये तुम्हें एक नहीं दो नहीं कई सालों में इससे तुम बेनिफिट हासिल करते रहोगे। क्या ये बात समझ आई? अच्छा जी। तो सर पीपी जो है वो टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल में मूवेबल भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है। ये वो एसेट है जिसकी लाइफ एक साल से ज्यादा की होगी, इसका मतलब इससे तुम इकोनॉमिक बेनिफिट एक साल से ज्यादा के अरसे में रिकवर, बोले, कर सकते हैं। और तो और सर उसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा, बोलिए, उसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा। यह बात तो तयशुदा है कि हम आगे 16 में जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, बनाई गई है, बेचने के लिए नहीं, रेंट पे देने के लिए नहीं सर, वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए है हमारे कारोबार में। तो देखिए एक बात तो ये हुई, दूसरी बात ये कि सर इसका इस्तेमाल किया जाएगा फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ, बोले, गुड्स, यानी कि उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा होगा किस पर्पस के लिए, बोलिए, या तो
गुड्स की प्रोडक्शन के लिए या तो सर्विसेज की फरहमी के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहां पे खड़ा हूं केएनएस के प्लेटफॉर्म पे, बताइए ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये इस्तेमाल, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है और भी दूसरे आपको फिक्स एसेट यहां पे नजर आ रहे हैं टेंजिबल राइट, ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पे क्या कोई चीज प्रोड्यूस की जा रही है, यहाँ पे सर्विसेज फराम की जा रही है, बोले सर्विस। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है जो केएनएस में आपको जहां जहां दिख रहा है, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन तो नहीं हो रही, सर यहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बोलिए सर्विस। और अगर यहाँ पे किसी एक जगह पे किसी बिल्डिंग एक साइड पे प्रोडक्शन हो रही होती तो सर हम कह सकते थे कि ये जगह जो इस्तेमाल हो रही है वह प्रोडक्शन के लिए भी हो रही है, और सर यहाँ पे जो है हम वो कस्टमर को फैसिलिटेशन के लिए भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी कि उस जगह का इस्तेमाल हो रहा होगा, बोलिए या तो यूज हो रहा होगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए या तो सर्विसेज की, बोलिए फरहामी के लिए, या तो सर्विसेज की फरहामी के लिए, और ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा होगा, अगर चलो जी प्रोडक्शन नहीं होती, अगर चलो जी सर्विसेज की फरामी नहीं होती, लेकिन सर लाइफ एक साल से ज्यादा की है, कोई प्रोडक्शन नहीं है सर, कोई सर्विसेज नहीं है, सर पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर, बोलिए एडमिन पर्पस, यानी कि हमने ये जो प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई है, ये जो अमला बिठाया हुआ है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है सर, हम कोई प्रोडक्शन नहीं करते, कोई सर्विस नहीं देते, सर हमारा एडमिन डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसका मतलब बेटा बात सुनिए, या तो हो सकता है प्रॉपर्टी का प्लांट का इक्विपमेंट का बखूबी इस्तेमाल हो रहा हो कि सर वहां पे प्रोडक्शन भी चालू है, सर वहां पे सर्विसेज भी अपन दे रहे हैं, समझ आ रही बात, और तो सर वहां पे एडमिन भी बैठी हुई है। इसका मतलब दो बातें तो कंफर्म होगी तभी वो पीपीई में फॉल करेगा। सर दो बातें कौन सी, ये दो बातें नहीं सर, एक बात तो ये लाजमी तौर पे होगी, और हो सकता है ये दोनों बातें हो सकता है दोनों में से कोई एक हो। क्या ये वाली बात समझ आई? अच्छा जी, इसका तीसरा पॉइंट फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बात हमने कर ली, दूसरी बात क्या की फॉर, बोले एडमिन पर्पस, और तीसरी बात फॉर रेंटल टू अदर्स, फॉर रेंटल टू अदर्स। अब देखें सर, प्लांट एंड इक्विपमेंट के रेंटल को, अच्छा चले मैं आपसे यहां पे एक बात पूछता हूं जो मैं आपको बता भी चुका हूं, प्रॉपर्टी बोले तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर मैंने खरीदी है या बनाई है और मकसद है किराए पे देना, तो बताइए जमीन खरीदी बिल्डिंग बनाई वो मैंने किराए पे दे दी और मकसद ही मेरा ये था, तो आप मुझे बताइए अगर इंटेंशन मेरी डे वन पे ये थी कि भाई मैंने रेंट आउट करना है, तो डे वन पे वहां पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा होगा, बोले IS 40, डन IS 40 लग रहा होगा। जब मैंने IS 16 PPE की डेफिनेशन पढ़ी तो वहां पे मुझे कुछ बातें रिपीट होते हुए नजर आई, मैंने बोला यार IS 40 में भी रेंट पे देते हैं प्रॉपर्टी, डन। और जब मैं IS 16 की बात करता हूं तो डेफिनेशन जब मैंने पढ़ी तो वहां भी क्या लिखा हुआ था कि भाई रेंट पे देते हैं, क्या समझ आई, क्या देते हैं, रेंट पे देते हैं। तो आपने बोला सर आई होप आपको बात समझ आ रही है, IS 40 कहता है कि भाई मैं प्रॉपर्टी रेंटल को डील करता हूं, और जब हमने यहां बात पढ़ी तो IS 16 कहता है कि मैं डेफिनेशन के अंदर क्या आ रहा है कि मैं पीपी के दिख क्या रहा है कि मैं पीपी के किसको डील करता हूं, बोलिए रेंटल को। तो हम यहां पे बोलेंगे जरा सबर करें, रुके जरा, जवाब यह आया कि IS 16 सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड इक्विपमेंट के रेंटल्स को डील करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का रेंटल जो है वो किस स्टैंडर्ड के मुताबिक डील होगा, IAS 40 के मुताबिक डील होगा। क्या ये वाली बात समझ आई? तो यहां पे मैं एक चीज नोट करके लिख देता हूं कि प्रॉपर्टी फॉर रेंटल को कौन डील करेगा, IAS, बोले शाबाश 40 डील करेगा।
یعنی کہ پراپرٹی اگر ہم نے خریدی ہے یا بنائی ہے کس لیے بولیں بیچنے کے لیے تو اس کے رینٹل سوری خریدی ہے یا بنائی ہے کس لیے رینٹ پہ دینے کے لیے تو اس کے رینٹل کو کون ڈیل کرے گا بولیے آئی ایس 40 ڈیل کرے گا ڈن جلدی سے بورڈ کاپی کر لیجئے جی بچوں آپ لوگ نے کاپی کر لیا اس کو میں بورڈ رب کرنے لگا ہوں کاپی کر لیں مٹا دوں بورڈ ہاں جی آن لائن اسٹوڈنٹس بتاؤ بیٹا شاباش ٹھیک ہے جی اب ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم نے کچھ آئیڈیا لیا کہ بھائی یہ اسٹینڈرڈ زندگی میں کیوں آیا کیا بات کی آبجیکٹو کیوں آیا آپ سے پوچھ رہا ہوں پی پی کی اکاؤنٹنگ سکھانے کیا یہ اسٹینڈرڈ سارے ایسٹس پہ اپلائی ہوتا ہے نہیں سر یہ صرف پی پی ٹرانزیکشن پہ اپلائی ہوتا ہے پھر ہم نے تیسری بات کی ڈیفینیشن کس کی پی پی ای کی ڈیفینیشن سر پی پی کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ ہم نے یہاں پہ دو باتیں لکھ دیں کتنی باتیں ہیں مینلی دو یہ تو بھائی ہوگا ٹھیک ہے جی ہو سکتا ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو کیا یہ بات سمجھ آئی تینوں بھی ہو سکتے ہیں اور تین میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ بیسکلی پی پی میں اس کو پی پی بولنے کے لیے ایک یہ پوائنٹ اور ان تینوں میں سے یا تو تینوں میں سے کوئی ایک باتیں کتنی ہیں بولے بیسکلی دو اب سر بات آ رہی ہے ریکگنیشن کی بات آ رہی ہے جی ریکگنیشن کی ریکگنیشن سے مراد یہاں پہ یہ ہے لکھ دیتے ہیں میرے ساتھ ہیں آپ لوگ سب ریکگنیشن اینی آئیڈیا جس کاسٹ پہ کیپیٹلائز کریں گے اور ڈیپریسیشن اور کوئی اچھی اچھی باتیں دیکھیں ریکگنائز کا مطلب میں یوں لیتا ہوں وہ کون سا ٹائم ہوگا جب ہم ان کو مطلب وہ کون سا ٹائم ہوگا جب ہم ایسٹ کو پی پی ای کو اپنی بکس میں ریکارڈ یا ریکگنائز کر سکتے ہیں دیٹ از ریکگنیشن کیا بولی بات وہ کون سا ٹائم ہوگا جب ہم ان کو مطلب پی پی ای کو اپنی بکس کے اندر ریکگنائز یا ریکارڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ڈن کوشچن مارک آواز آئی سر آواز ہی آئی او بھائی جب رسک اینڈ ریوارڈ تمہارا ہو گیا تو اس کا مطلب تم اپنی بکس میں اس کو ایسٹ کے طور پہ ریکگنائز کر لو میں نے بولا یار یہ رسک اینڈ ریوارڈ سے تمہارا مطلب کیا ہوا اس نے بولا آؤ ذرا کچھ مثال دیتا ہوں مثال کچھ اس طرح سے دی کہ بھائی رمضان شریف چل رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ بکرا عید آئے گی اور بکرا عید آئے گی تو اس کے بعد پھر ہم جانور کی تلاش میں کہاں جائیں گے سوراب گوٹ جائیں گے یا ہو سکتا ہے آؤٹ آف کراچی چلے جائیں انٹیریئر سندھ یا پنجاب سائڈ چلے جائیں تو سر یہ ہے ہمارا گھر صحیح جی اور یہاں سے ہم لوگ گئے بولیے کہاں پہ منڈی یہاں سے ہم لوگ گئے منڈی ہم نے جانور خریدا جانور پسند آیا جانور ہم نے خریدا اور جو سیلر تھا جس کو ہم لوگ بیوپاری بولتے ہیں سر اس کو ہم نے پیسے دیے اس نے ٹرک میں جانور چڑھایا اور پھر ہم سے اس نے ہاتھ ملایا کہ اللہ آپ کو مبارک کرے ایسے ہی ہوتا ہے عموماً نہیں ہوتا سوری ہم نے بولا یار آپ نے مجھے یہ کیوں بولا اللہ تمہیں مبارک کرے میں نے بولا کہ یار اس لیے بولا ظاہر سی بات ہے آپ اللہ کی راہ میں لے جا رہے ہیں اور قربانی کریں گے تو اللہ قبول ہی کریں گے اور کیا بات بولیں گے اب اللہ آپ کو مبارک کرے سے مطلب یہاں پہ کیا ہوا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے
थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं भाई, गाड़ी जानवर में चढ़, जानवर जो है वो गाड़ी में चढ़ चुका है, अब जो है वो गाड़ी जानवर, समझ आई बात, जानवर जो है वो गाड़ी में चढ़ चुका है, अब बीच रास्ते में यानी कि यहां से यहां तक के सफर में वो मर मर आ जाए या भाग जाए, सही है जी, या उसकी तबीयत खराब हो जाए, मेरे भाई सिर्फ एक मैं मिसाल दे रहा हूं, फिर हम जरा फॉर्मल टच में भी चले जाएंगे, यहां पे जानवर के बजाय हम लोग मशीनरी की बात कर लेंगे, इक्विपमेंट की बात कर लेंगे, लेकिन दिमाग वही होगा। तो उसने कहा कि भाई हमने आपको जानवर हैंड ओवर कर दिया, अब जो भी रिस्क है, जो भी रिवॉर्ड है, वो सब आपका, मेरा इससे अब कोई सरोकार नहीं है, ये जानवर हुआ आपका। तो अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड, सर रिस्क का मतलब क्या हुआ, अभी हमने बात बोली सर जानवर वो मरमरा गया या जानवर भाग गया या जानवर की तबीयत खराब हो गई, तब आप मुझे बताएं क्या व्यापारी को इससे कोई कंसर्न होगा, नहीं होगा। इसका मतलब रिस्क किसका है, आपका है। और अगर आप लोग क्या करते हैं, रास्ते में ही 10 लाख रुपए का जानवर लिया था, किसी ने बोला यार 12 लाख में डन कर दो, उस जानवर को अगर आप 12 लाख में बेच देते हैं, तो आप मुझे बताएं बेनिफिट भी किसका है, आपका। तो इसका मतलब आपके पास उस जानवर का से रिलेटेड रिस्क भी आ गया और क्या आ गया, बोलिए, रिवॉर्ड भी। तो इसका मतलब जब रिस्क आ गया, रिवॉर्ड भी आपका आ गया, तो इसका मतलब ये वो पॉइंट होगा, यानी कि मंडी एक ये पॉइंट होगा जहां पे आप अपने पास एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर जानवर को मंडी से हमारे घर तक आने में लगने हैं 2 दिन, ठीक, अज्यूमिंग जानवर को मंडी से हमारे घर पे आने में लगने हैं 2 दिन, तो सर हम लोग गए थे 1 तारीख को जानवर खरीदने के लिए, जानवर 1 तारीख को हमने खरीद लिया, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, लेकिन हमारे पास जानवर जो है वो तीसरे रोज आया, आ गया जानवर, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, जो व्यापारी था उसने जब जानवर को ट्रक में चढ़ा दिया था, तो आप मुझे बताइए उस वक्त ही रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, वो लेट्स सपोज व्यापारी में था, ट्रांसफर रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको हो गया था या नहीं, सही जी, दैट वॉज महीने की 1 तारीख, लेकिन जानवर आपके घर पे कब पहुंचा, बोलिए 3 तारीख को। तो सवाल ये पैदा होता है, अब आप देखें आपके पास 2 डेट्स आ गई हैं, एक डेट आई 1 तारीख, दूसरी डेट आई 3 तारीख, तो बेटा मेरा आपसे सवाल यहां पे ये है कि आप लोग अगर 1 तारीख को अपनी बुक्स में उस जानवर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कीपिंग इन माइंड जानवर में किसकी रिप्लेसमेंट बात कर रहा हूं, मशीनरी इक्विपमेंट, ठीक है जी, तो मैं अगर 1 तारीख को उसको रिकॉर्ड करना चाहता हूं, तो जानवर क्या आपके पास आ गया है नहीं आया, बोले, मशीनरी या इक्विपमेंट आ गया है नहीं आया, नहीं आई, तो सर क्या मैं 3 तारीख को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा या 1 तारीख को, 1 तारीख को, जब 1 तारीख को आपने अपनी बुक्स दिखाई, उसमें लिख दिया जानवर, यानी कि जो भी जानवर था, तो फिजिकली तो वो जानवर नजर नहीं आ रहा, तो हम वहां पे जानवर के नाम से या मशीनरी के नाम से इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे, हम लिख रहे होंगे मशीनरी या इक्विपमेंट इन ट्रांजिट, क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होंगे, यानी कि पीपीई, या हम लोग यहां पे सिर्फ एक मिसाल ले रहे हैं, जानवर या इक्विपमेंट या मशीनरी किस में आ जाएगा, 1 तारीख को इन ट्रांजिट, यानी कि बेटा 1 तारीख ये वो तारीख है जिस पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर सेलर से बायर को हो चुका है, तो ये वो तारीख है जहां पे आप अपने पास एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या ये वाली बात समझ आई। दूसरा सिनेरियो, सर दूसरा सिनेरियो यहां पे ये है कि जानवर हमने पसंद कर लिया, हमने व्यापारी से ये कहा, समझ गए आप मैं दूसरी बात क्या करने वाला हूं, तभी मैंने केस 2 बनाया है, हमने इससे कहा कि भाई जानवर तो हमने पसंद कर लिया, जो भी फुल पेमेंट है, आप जब जानवर हमारे घर पे आके डिलीवर करके जाएंगे, ठीक है जी, तो मैं आपको फुल पेमेंट कर लूंगा। उसने बोला ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। तो जानवर मंडी से क्या हुआ, लोड हुआ, यहां आ गया, और फिर वो जो हाथ मिलाया था व्यापारी ने हमसे केस 1 में यहां पे, ठीक है जी, अब वो हमसे हाथ जो मिला रहा है वो मंडी में नहीं मिला रहा, वो हमसे कहां पे मिला रहा है, जब जानवर को उसने हमें घर पे लाके डिलीवर कर दिया। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, सही है जी, गए थे 1 तारीख को, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया 1 तारीख को, घर पे कब आया, बोलिए 3 तारीख को,
तो अभी हमने बात की थी यहां पे बेटा रिकग्निशन के हवाले से, मैंने क्या बात स्टार्ट की थी, किस अंदाज से की थी, वो कौन सा टाइम होगा जब हम अपनी बुक्स में उसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट इज रिकग्निशन। ठीक, तो आवाज आई, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा तो तुम उसको अपने पास बुक्स में एज एन एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक, तो सर अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहा है इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब तुम अपनी बुक्स में उसको एसेट रिकॉर्ड कर सकते हो, और अगर इस पॉइंट पे नहीं हो रहा, इस पॉइंट पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 तारीख है अज्यूमिंग, और यहां पे क्या तारीख थी बोलिए, पहली तारीख। तो केस 1 में पहली तारीख को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और केस 2 में आप कब रिकॉर्ड करेंगे, पहली को भी नहीं दूसरी को भी नहीं, किस तारीख को बोलिए, 3 तारीख को। क्या ये बात समझ आई? तो यहां पे गाय बकरों के बजाय आप मशीनरी इक्विपमेंट को फिट कर लें। मेन चीज है बात की बारीकी को समझना, रिकग्नाइज कब होगा, जल्दी से बोले आसान अल्फाज में, सर जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, तो आप देखें, अगर मैं मिसाल लेता हूं इसी तरह से एक और, कि भाई हमें डॉलेंस का चाहिए या पेल का चाहिए, इन्वर्टर एसी चाहिए, हम क्या करेंगे, या तो यहां से जाएगा बंदा मार्केट खरीदने के लिए, सही है जी, या तो पेल कंपनी को या डॉलेंस को बोल देंगे कि भाई आप हमारे प्रेमिसेस तक इसको पहुंचा दें। अगर हम खुद जा रहे हैं उसको खरीदने के लिए, हमने पसंद कर लिया, पैसे दे दिए, सुजुकी में वो चढ़ गया, और वहां से बोला गया भाई अब रिस्क एंड रिवॉर्ड तुम्हारा है, इसका मतलब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मैं अपने पास एसेट को रिकग्नाइज या रिकग्नाइज कर सकता हूं। दूसरा सिनेरियो, हमने पहल वालों को बोला भाई हमारा बंदा नहीं आ रहा, आप अपने बंदों से जो है आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारे प्रेमिसेस तक पहुंचा दें, बात तो वही हो रही है ना, हमारा प्रेमिसेस। ठीक, तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा उस पॉइंट पे हम लोग एसेट को रिकग्नाइज बोले कर सकते हैं। इसी तरह से एक और मिसाल लेते हैं कि सर हम हैं पाकिस्तान में और जर्मनी गए एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, क्या मेरे साथ हैं यहां पे आप? हम हैं पाकिस्तान से और कहें गए हैं कहां पे बोलिए, जर्मनी मशीनरी परचेज करने के लिए। केस 1, खरीद ली जर्मनी से हमने मशीनरी, वो जो जर्मन सप्लायर है उसने पोर्ट तक ले आया, पानी के जहाज में उसको लोड भी करा दिया, और फिर हमसे बोला बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, उम्मीद है कि आपने जो हमसे प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है ये आपको भरपूर बेनिफिट देगी। मैंने बोला बहुत शुक्रिया। अब बताइए मशीनरी या इक्विपमेंट के हवाले से जो रिस्क एंड रिवॉर्ड था वो जर्मन पोर्ट पे ट्रांसफर हो गया था बायर को या पाकिस्तान आके हुआ जर्मन पोर्ट पे? इसका मतलब अगर हम केस 1 की बात कर रहे हैं तो रिस्क एंड रिवॉर्ड जर्मन पोर्ट पे ट्रांसफर बोलिए हो गया है या नहीं हुआ? हो गया। तो इसका मतलब केस 1 में हम लोग एसेट को अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड कर सकते हैं? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ, सही है जी। सर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, अगेन यहां पे बात की थी, यहां पे हमने क्या बात की थी भाई, पहली तारीख थी और मंडी और घर का ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, चाहे वो पाकिस्तान में ही था लेकिन वो 1 से 2 या 3 दिन के अंदर आ जाएगा, तो 1 तारीख, और यहां पे बात क्या की थी हमने, 3 तारीख। लेकिन जर्मनी से पाकिस्तान आने में ऑब्वियसली बात है 1 से 2 दिन तो नहीं, टाइम लगेगा, महीनों लग जाते हैं उस प्रोडक्ट को पाकिस्तान आने में, हफ्तों महीनों लग जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो सर अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड जर्मन पोर्ट पे जर्मन सप्लायर ने हमें ट्रांसफर कर दिया, तो इस तरह के प्राइसिंग अरेंजमेंट को, अभी तक तो ये बात क्लियर है बेटा, एक बात सुनना, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया तो क्या मैं आज अपनी बुक्स में पाकिस्तान में हूं, मैं क्या मैं पाकिस्तान में जब अकाउंट्स बना रहा होगा तो अपनी बुक्स में जिस डेट पे वो खरीद लिया है रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होकर रिकॉर्ड कर सकता हूं? बोले कर सकता हूं। सर वो ईयर एंड था, ऑडिटर्स आए, उन्होंने बोला भाई ये तुम्हारे पास एसेट तुम्हारी बुक्स में तो दिख रहा है लेकिन मैंने फिजिकली देखा मुझे नजर नहीं आया, तो मैंने उसके आगे लिखा हुआ था पीपी, मैंने बोला सर माजरत से वो पीपीई नहीं सर, वो पीपीई बोलो इन ट्रांजिट कवर्ड होगा। तो इसका मतलब ये बात बड़ी वाजे हो जाएगी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड चूंकि ट्रांसफर हो चुका था, बेटा यहां तक साथ हैं, तो मैं उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूं,
چونکہ وہ میرے پاس ابھی فزیکلی موجود نہیں ہے تو میں اس کے آگے کیا لکھ رہا ہوں گا پی پی ان ٹرانزٹ. سر اس طرح کے پرائسنگ ارینجمنٹ کو اس طرح کے پرائسنگ میکینزم کو ہم لوگ نام دیتے ہیں ایف او بی پرائز میکینزم, فریٹ آن بورڈ پرائز میکینزم کا نام دیتے ہیں. تو سر یہ ایف او بی کیا ہوتا ہے؟ جس پوائنٹ پہ سپلائر بائر کو رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر کر دے, صحیح ہے جی, اگر جرمن سپلائر نے جرمنی میں رہتے ہوئے ہی پاکستانی سپلائر کو جو ہے بائر کو جو ہے رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر کر دیا, ٹھیک, تو اس کا مطلب رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر یہاں پہ ریکگنائز ہو جائے گا. اس طرح کے پرائسنگ میکانزم کو ہم لوگ نام دیتے ہیں, بولیے کیا, ایف او بی پرائز میکانزم, فریٹ آن بورڈ کا نام. اور اسی طرح سے اگر ہم دوسری ایک بات کریں, دوسری بات بنتی کیا ہے, بولو شباش, دوسری بات کیا بنتی ہے کہ سر یہاں تو پورٹ پہ چڑھ گیا تھا, سپلائر نے بولا صاحب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے بندے آئیں گے آپ کے پاس پاکستان, خرچہ ورچہ تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس, رہائش وہائش انسٹالیشن وغیرہ کا سب وہ آپ ہی جانو, نے بولا ہمیں پتہ ہے, لیکن رسک اینڈ ریوارڈ جو ہے وہ جرمن پورٹ پہ نہیں, وہ کب ٹرانسفر کیا جا رہا ہوگا, پاکستانی پورٹ پہ آ کے. تو اگر رسک اینڈ ریوارڈ یہاں پہ آ رہا ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے جی, رسک اینڈ ریوارڈ یہاں پہ ہے, تو اس طرح کے پرائسنگ میکانزم کو ہم لوگ نام دیتے ہیں, کوئی آئیڈیا ہے, کاسٹ انشورنس فریٹ, سی آئی ایف پرائز میکانزم کا نام دیتے ہیں. یہ بات بس آن اے لائٹر نوٹ ہم نے ڈسکس کی ہے, کوئی بھی ہم شپنگ لائن سے ریلیٹڈ اس کی ٹرمینالوجیز کو ڈسکس یہاں پہ نہیں کر رہے. سمپل پتہ ہے کیا ہوگا آپ کا سینیریو, آپ کے پاس نالج کس لیول پہ ہونی چاہیے. بھائی آپ کو سینیریو دیا بھائی اور بتا رہا ہوگا کہ بھائی ہم لوگوں نے یہ سارا کہانی کی, ہم جرمنی گئے اور وہاں پہ یہ رہائش ہوئی, فلانا دھماکہ, بہت بہت ساری باتیں, اور اس نے ان باتوں میں ہی کہیں آپ کو بتا دیا ہوگا کہ رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر ہو گیا ہے. آپ بناؤ اپنی بکس میں جرنلز, اب کیا ہوا کہ ہم نے خریدی تھی وہ مشینری اور رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر ہو گیا تھا 20 دن پہلے, لیکن مشینری ہمیں تقریباً 20-25 دن بعد جا کے ملی. اب کیا ہوا, ہم سے وہ پوچھ رہا ہے بتاؤ تم نے اس کو ریکگنائز کس ڈیٹ پہ کرنا ہے. یا صرف اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں گھر سے منڈی گیا اور میں پاکستان سے جرمنی گیا, ٹھیک, ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ بھائی جب رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر ہو جائے گا نا, جس ٹائم پہ وہ ٹرانسفر ہوگا تو اس ڈیٹ پہ اپنے پاس اس ایسٹ کو ریکگنائز کر سکتے ہیں. سمپل اتنی سی بات ہے. تو سر یہ ایف او بی پرائسنگ میکانزم کیا ہے, سی آئی ایف کیا ہے, سمپل سی بات ہے, ایف او بی فریٹ آن بورڈ اور کاسٹ انشورنس فریٹ, ٹھیک. ہم اس کی ڈیٹیل میں ابھی یہاں پہ نہیں جا رہے, سوال آئے گا تو اس میں ایف او بی کا اگر ذکر ہوا تو بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہوگا, صرف کیا ہوگا, کس پرپز کے لیے ہوگا کہ ریکگنائز تم نے کس ڈیٹ پہ کرنا ہے. ڈن. اچھا جی سر یہ تو چلے تھوڑی سی مستی مذاق شگل میں ہم نے بات کی, اب اس بات کو اگر ہم لوگ فارملی کرتے ہیں, اس بات کو اگر ہم لوگ فارملی کرتے ہیں تو بیٹا بات سنیے, یہاں پہ آئیں گی اب بیسکلی دو باتیں. آئی اے 16 یہ کہتا ہے کہ ایسٹ کو تم نے اپنی بکس میں ریکگنائز کب کرنا ہے, ویسے تو ہم نے کیا بات بولی تھی, جب رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر ہو جائے گا تو تم اپنی بکس میں اس کو ایز این ایسٹ کے طور پہ ریکارڈ کر سکتے ہیں. سر اس کی دو باتیں ہیں, دو شرائطیں, اگر وہ پوری ہوں گی تو ہم اپنی بکس میں اس کو ایز این ایسٹ کے طور پہ ریکگنائز کر سکتے ہیں. وہ دو شرائط کیا ہیں کہ فیوچر اکنامک بینیفٹ کیا ہونے چاہیے, بولیے, پروبیبل, یعنی کہ وہ ایسٹ جس کو ہم لے کے اپنے پاس آ رہے ہیں کیا اس چیز کی پروبیبلٹی ہے کہ یہ ہمیں فیوچر میں اکنامک بینیفٹ دے گا. تو سر اگر پروبیبلٹی ہے کہ اکنامک بینیفٹ دے گا تو سر ہم زیادہ کسی پنچایت میں پڑھیں گے نہیں, اس کو اپنے پاس خاموشی سے کیا کریں گے, ایسٹ کے طور پہ ریکارڈ کر لیں گے. سر ذرا سنو ایک بات, بیٹا بات سنو, جب میرے پاس ایک چیز کا کنٹرول آ گیا, جب ایک چیز کا کنٹرول, جب ایسٹ کا کنٹرول میرے پاس آ گیا,
जब रिस्क एंड रिवॉर्ड मैं हासिल करने की पोजीशन में आ गया, जब कंट्रोल आ गया, जब मेरे पास रिस्क एंड रिवॉर्ड आ गया, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि कंपनी इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करने की पोजीशन में बोले आ गई है। जब कंट्रोल आ गया, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड आ गया, इसका मतलब क्या हम यहां पे ये कह सकते हैं कि कंपनी इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करने की अब बताइए पोजीशन में आ गई है। ये वाली बात समझ आई। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि भाई उसकी कोई ना कोई होनी चाहिए, बोले क्या कॉस्ट, उसकी क्या होनी चाहिए, बोलिए कॉस्ट, और उस कॉस्ट को आप लोग रिलायबली मेजर कर सकते हो, यानी कि उसकी कोई ऑथेंटिक वैल्यू आप अगर वर्कआउट कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कॉस्ट को आपने, बोलिए, रिलायबली एस्टिमेट कर लिया। देखो बेटा, रिकग्निशन के हवाले से हम तो चले गए थे मंडी से घर, फिर जर्मनी से पाकिस्तान, लेकिन जो बेसिकली जो फॉर्मल गुफ्तगु है, जो फॉर्मल दो पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं रिकग्निशन के हवाले से? ओ भाई, इसको तुम अपनी बुक्स में सिर्फ पता कब रिकॉर्ड करोगे, कब रिकग्नाइज करोगे? किसी ने बोला सर जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा। बेहतरीन आसान अल्फाज में जवाब। किसी ने बोला सर स्टैंडर्ड ये कहता है रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ट्रांसफर होगा, कंट्रोल हमारे पास आ गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि सर अब हम इस बारे में श्योर है कि ये एसेट हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट का जो इनफ्लो देगा उसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो इसका मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होना चाहिए, प्रोबेबल। सर हम एसेट लेके आ रहे हैं, जब एसेट लेके आ रहे हैं तो सर जब उसको ऑपरेशन में लेके आएंगे तो सर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो सर हमारी सेल्स बढ़ेगी, सर जब सेल्स बढ़ेगी तो सर कैश इनफ्लोज होंगे नहीं होंगे, तो सर अल्लाह की कसम मुझे नजर आ रहा है कि प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। एक बात और, तो और सर वो चीज मुझे पड़ी कितने की, मतलब बोले तो उसकी कॉस्ट, तो कॉस्ट के बारे में वो क्या बोलता है कि अगर हम एक चीज पड़ी है फॉर एग्जाम्पल लाख की, तो हम बोलते हैं कि भाई लाख रिलायबिलिटी एस्टिमेट हो पा रही, बल्कि एस्टिमेट करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कभी कभी सूरत हाल ऐसी होगी कि जहां पे मैंने कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, बोलिए एस्टिमेट। इस बारे में हम एग्जांपल आगे जाके लेंगे। सर यहां पे मतलब क्या बनता है रिलायबल एस्टिमेट का, जब आप उसकी कोई ऑथेंटिक वैल्यू वर्कआउट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट आप रिलायबली मेजर या एस्टिमेट कर सकते हैं। यहां तक काम कॉपी कर लीजिए जी, हो गया बेटा यहां तक कॉपी, बोर्ड रब कर दूं मैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे सामने आएगा डिस्कशन किसका, इनिशियल मेजरमेंट, बोर्ड रब कर रहा हूं। अच्छा बेटा, जब तक मैं बोर्ड रब कर रहा हूं, आप लोग हैंडआउट पे आ जाइए जो मैंने आपको दिया है अभी, जिन लोगों को अभी नहीं मिला वो प्लीज शेयर कर लें हैंडआउट, और जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं उनके पास पीडीएफ होपफुली मिल गया होगा। जी बताइए, ऐसे ही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बनीन, लाइबा, महक, हसन, दुआ, फरहीन, जल्दी से बताइए। अच्छा जी आ जाइए, हैंड आउट सबके पास है। अच्छा जी पेज नंबर 1 पे आइए, और हमने अभी तक जो डिस्कस कर लिया है उसको एक नजर देखते हैं, तो उसके लिए पेज नंबर 3 पे आ जाइए, और उसके बाद फिर हम पेज नंबर 1 पे फिर से लौट आएंगे। देखो बेटा, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, यहां पे कुछ इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंपनी के लॉन्ग टर्म टेंजिबल फिक्स एसेट होते हैं, जो कि बिजनेस के लिए बड़े वाइटल होते हैं, और इसको आसानी से लिक्विडेट यानी कि कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो टेंजिबल आइटम्स हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन में या गुड्स एंड सर्विसेज की फरहमी सप्लाई के लिए, और उसको हम लोग रेंट पे देते हैं या तो एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि बेनिफिट एक साल से ज्यादा के अरसे में हमें मिलेगा। कोई मुश्किल बात तो नहीं है यहाँ पे? ठीक बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अच्छा फिर उसने बोला है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर इनटैंजिबल एसेट्स
लाइक पेटेंट ऑफिस, एक इंटेंजिबल एसेट होता है और एक टेंजिबल एसेट होता है। तो यहां पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो किसका है, बोलिए, टेंजिबल एसेट का। तो थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। फिर इसने बात की इन्वेंट्री। सर अगर हमारा काम ऐसा है कि हम लोग बिल्डिंग बना के बेचते हैं या खरीद के बेचते हैं, तो इसका मतलब वो बिल्डिंग जहां पे मेरा ऑफिस है वो तो IE16 के मुताबिक अकाउंट फॉर हो रहा होगा। क्या ये बात समझ आती है? और वो बिल्डिंग जो हम लोग बना के या खरीद के बेचते हैं तो वो किसके मुताबिक अकाउंट फॉर हो रहा होगा? IE2 के मुताबिक हो रहा होगा। फिर कुछ बातें और लिखी हुई हैं। अब आ जाओ 1.2 पे। इसमें क्या बोला हुआ है, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ द इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी एंड द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी रिलायबली या मेजर्ड रिलायबली। मेरे भाई क्या ये बात समझ आई? हमने ये जो एक लंबा राउंड लगाया था, देखें बुक के अंदर बहुत सारी बातें हैं वो की होती हैं लेकिन उसकी तफसील बयान नहीं की हुई होती। जैसे मैंने आपसे जो बहुत सारी बातें की वो शायद आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही, लेकिन अब ये दो बातें जो, अच्छा एक और बात बताऊं, PRC 4 में जब आपने डेप्रिसिएशन का टॉपिक किया था तो उस चैप्टर में PPE की डेफिनेशन जो अभी हमने यहां पर पढ़ी है वही डेफिनेशन थी। वहां पे जो रिकग्निशन क्राइटेरिया था सही है, कॉपी पेस्ट होके यहां पे आ गया, लेकिन वहां पे हमने रिकग्निशन क्राइटेरिया और PPE की डेफिनेशन को इतनी ज्यादा इज्जत नहीं दी थी। अब चूंकि हम बकायदे तौर पे स्टैंडर्ड पढ़े हैं तो हमने यहां पे, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि चीजों को यहां से स्किप कर दें। तो बेटा अभी तक फिलहाल हमने, अच्छा इस पेज के अंदर हमें ऑब्जेक्टिव या स्कोप के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ था यार, जो हमने बात की थी ना जितना भी काम था, कुछ कुछ यहां पर मेंशन है और कुछ मेंशन नहीं है। अब आ जाइए पेज नंबर 1 पे। सॉरी, ये जो स्टैंडर्ड है IE16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये एक वाहिद ऐसा स्टैंडर्ड है कि आज से अगर आप पिछली 10 अटेम्प्ट देख लें तो आपको शायद एक अटेम्प्ट में भी ऐसा नजर ना आए कि 16 का सवाल ना आया हो। समझ आ रही है बात? पिछली अटेम्प्ट में यानी कि स्प्रिंग 2023 की 24 की अटेम्प्ट में इसने IE16 का सवाल नहीं दिया, कुछ थ्योरी से रिलेटेड चीजें दी हैं। जिंदगी में पहली दफा उसने ऐसा किया, यानी कि जो न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग थी उसको उसने थ्योरी के अंदाज में पूछा जरूर है और वेटेज इतनी ज्यादा नहीं थी। अगर सिर्फ पिछली अटेम्प्ट को आप हटा दें और पिछली 10 अटेम्प्ट 15 अटेम्प्ट में आप जाके देखें तो आप बोलोगे यार एक चीज तो एग्जामिनर की बड़ी फेवरेट दिखती है, वो कौन सा स्टैंडर्ड है? IE16। यार मूड अच्छा है बुरा है, सवाल आसान आया मुश्किल है, अरे यार 16 देता है। तो सर 16 जो है, सुनना, सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट की इसकी हरकत की वजह से हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि यार ये अगली दफा नहीं देगा, अगली दफा तो कंफर्म चांसेस लग रहे हैं कि बड़ा भारी भरकम सवाल आएगा। सर ये जो स्टैंडर्ड आता है ये अपने आप में सवाल बन के आता है। बेटा सुनना, ये बहुत बड़े दिल वाला स्टैंडर्ड है, ये अपने आप में सवाल बन के आता है ठीक, और ये आया करता था अपने आप में पूरा एक सवाल बन के। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैच्योर हुआ, तो इसने क्या किया, जो आपके कोर्स में दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं लाइक IAS 20, 23, IAS 36, IAS 40, उसने बोला आ जाओ अपन साथ चलते हैं पेपर में। समझ रही बात? आई होप सो आपको मैसेज मिल गया। ये कुछ सालों पहले, कह लें आप 4 से 5 अटेम्प्ट पहले की बात बता रहा हूं, ये अपने आप में एक पूरा सवाल बन के आता, यानी कि IAS 16 16 16 16 उधर नहीं झांकता था, इधर नहीं झांकता था। अब जो सूरत हाल चल रही है वो ये कि वो बोलता है भाई FAR 1 में स्टैंडर्ड्स हैं कितने, हमने बोला भाई जितने भी हैं ठीक, ये स्टैंडर्ड अपने आप में सवाल बन के अब नहीं आ रहा। वो बोलता है भाई 36 तुम भी कोर्स में हो, 20 IAS 20 तुम भी हो, IAS 23 तुम भी हो, IAS 40 तुम भी हो जाओ। तो मैंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किया था, आ जाओ अपन साथ पेपर में चलते हैं। तो सर इसका मतलब ये स्टैंडर्ड जो है दूसरे स्टैंडर्ड के साथ मिक्स होके आता है ठीक।
तो सर जब ये मिक्स हो क्या आता है तो इसका मतलब इस स्टैंडर्ड की वेटेज जो होगी जो टेस्टिंग होगा वो भी जरा भारी होगा। तो कल आपकी बात हो गई होगी टेस्टिंग वन और टेस्टिंग टू के हवाले से। प्रोफिशिएंसी तो बाबा टू ही है, लेकिन यहां पे टेस्टिंग जो है ना इस स्टैंडर्ड का वो भी क्या है, बोलिए, टू है। और इसकी जो वेटेज होती है वो 20 या 20 से कम नंबर की होती है। और पास ट्रेंड ये रहा है कि आज से पहले सिर्फ पिछले टाइम को अगर साइड पे कर लें तो आप निकाल के तो देखो कौन सा ऐसा पास पेपर है जिसमें आई 16 ना आया। यानी कि आई 16 आपको पूरे कोर्स में कहीं ना कहीं फैला हुआ दिखेगा। याद करें पीआरसी 4 में हमने बात की थी और कल भी थोड़ी देर के लिए जो मैं आया था मैंने बात की थी, डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक जो है ना वो पूरे कोर्स में कहीं ना कहीं ना कहीं फैला हुआ है। जब आप जाएंगे आई 36 पे, आप 20 पे, 40 पे, तो आप बोलोगे सर ये तो चीटिंग है। यानी कि बेसिकली अब वो अपने आप में स्टैंडर्ड सवाल बन के नहीं आ रहा, अपने साथ बोलते आजा आजा जानी साथ चलते हैं। समझ रही बात? इसका मतलब चीजें होने वाली हैं कॉम्प्लेक्स। टेस्टिंग टू, प्रोफिशिएंसी टू, आर वी क्लियर? अब देखते हैं कि इसके अंदर कॉन्टेंट में है क्या क्या। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बोर्ड पर मैंने अपने अंदाज से अपनी सीक्वेंस के हिसाब से लिखी है और बुक की कंटेंट जो है वो यहां पे लिख रहा है। यानी कि ये जो अभी पहले और दूसरे पेज पे दिख रहा है ये मेरा नहीं, ये बुक का कंटेंट है, कॉपी पेस्टेड, आपको फॉन्ट से ही समझ आ रहा होगा। अब देखिए कंटेंट में आ रही है इसकी 6 चीजें, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, फिर आया डिप्रिसिएशन, फिर आया डी रिकग्निशन, फिर रिवैल्यूएशन डिस्क्लोजर्स, फिर आगे एमसीक्यूज। ये है इसकी समरी। अब सर रिकग्निशन एंड मेजरमेंट के अंदर जरा और नीचे की तरफ हम गए रिकग्निशन एंड मेजरमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, तो देखो रिकग्निशन एंड मेजरमेंट के अंदर सेक्शन ओवरव्यू दिया हुआ है, इसमें इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं कि बेटा बात सुनो, पीपी की डेफिनेशन ये होती है, इधर समझ आ गई बात? ठीक, पीपी को रिकग्नाइज यू करते हैं, हाँ गई बात। फिर उसने बोला मेजरमेंट करोगे रिकग्नाइज करने के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल मेजरमेंट, जिसको हम लोग ने लिखा था क्या बोले, इनिशियल मेजरमेंट। फिर आ गई बात कि भाई एसेट मैं पुराना देता हूं, तुम्हारा नया एसेट लेता हूं, तो अदली बदली जो हो रहे होंगे एसेट्स तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से होगी, चूंकि ताल्लुक पीपी से है तो पीपी से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग है वो कौन बताता है, आईएएस 16। ये देखेंगे सर एसेट आ तो गया है और हमें पता है कि सर कौन सा ऐसा एसेट है जो एक दफा ले लिया और फिर जिंदगी भर वो काम ना दे। सर एसेट को जब रवा करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वो वक्तन फवक्तन काम देगा। तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग नॉन करेंट एसेट पे आगे आने वाले सालों में खर्चा तो होना है। तो सर जो खर्चा होना है या तो वो एक्सपेंस आउट होगा या तो वो क्या होगा, कैपिटलाइज। अपन यहां पे ये बातें भी देखेंगे, ये बातें आप समझ रहे हो, रिकग्निशन की दो बातें थी, हम वो चले गए मंडी और घर, फिर जर्मनी और भी जा सकते थे, लेकिन मेन पॉइंट क्या था, रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली बात दिमाग में बिठाना। और जो दो इंपॉर्टेंट बातें थी कि प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए और रिलायबल एस्टिमेट, वो भी बातें हो गई और काम की बात भी हो गई। फिर सर इसमें आ रहा है मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, ठीक। अब जो है फिर डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, यानी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, अक्रूवल्स एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट की यहां पे बात करेंगे, ठीक है जी। रिविजन होगा अक्रूवल्स एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर डेफिनेशन डेप्रिसिएशन की क्या होती है, यानी कि पीआरसी 4 खुल गया, ये जो सेक्शन ओवरव्यू आपको जो नजर आ रहा है अभी बेटा, ये जो 2 वाला एरिया है ये कौन सा है, पीआरसी 4 खुल गया, डन। देख लो आपको वैसी चीजें दिख रही हैं, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज इन पीरियड, प्रो रेटा बेसिस या फुल ईयर डेप्रिसिएशन, फिर चेंज इन एस्टिमेट, पूरा का पूरा पीआरसी 4 और अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। आर वी क्लियर? पूरा पीआरसी 4 ये वाला पार्ट है। आगे बढ़े सर डी रिकग्निशन, डी रिकग्निशन का मतलब क्या हुआ, एसेट को जब हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, अपने पास से निकाल बाहर करेंगे, तो उसको अकाउंट फॉर किस तरह से किया जाएगा, ये वाला एरिया देखेंगे। फिर आ जाता है रिवैल्यूएशन। सर ये रिवैल्यूएशन पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है वो हम देखेंगे, लेकिन ये पूरा एरिया नजर आ रहा है, फिर नजर आ रहा है आपको क्या बोले, डिस्क्लोजर्स। तो बुक के कंटेंट के हवाले से ये वो 4-5-6 एरियाज हैं जो मैंने सिर्फ आपकी एक निशानी के तौर पे रख दी है। क्या तरतीब होगी इस काम को कराने की, वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे अपनी एक तरतीब मेंशन की है। हो सकता है कुछ चीजें ये पहले बता रहा हूं, हम बाद में कर रहे हो, हम कुछ चीजें बाद में कर रहे हैं वो पहले बता रहा हूं,
बेटा बात समझ आई? कंटेंट बेसिकली हमने करना है पूरा कवर। आ जाइए पेज नंबर 3 से, अब हम बढ़ते हैं आगे और है पेज नंबर 4, मेजरमेंट एट रिकग्निशन। सर उर्दू तर्जुमा, जब तुम अपने पास एसेट को रिकग्नाइज करोगे, रिकॉर्ड करोगे, ठीक, तो किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे? ठीक, बेहतरीन। आपने बोला सर जो भी उसकी इब्तदाई या इनिशियल कॉस्ट होगी उस पे करेंगे। सर ने बोला बात तो तुमने जबरदस्त कही है, अब इधर आवाज सुनो। ठीक, आप सुने, मैं मिसाल दे रहा हूं। उसने कहा अब आओ जरा बात सुनो, 3 बातें हैं जो तुमने ख्याल रखना है इसका। आपने बोला इस इनिशियल मेजरमेंट एंड रिकग्निशन के अंदर भी 3 बातें? उसने बोला हाँ बेटा 3 बातें। तो 3 बातों में कौन कौन सी बात होगी, यानी कि यहां पे आ रहा है इनिशियल, क्या हेडिंग लिखी हुई है वही हम डाल देते हैं, नहीं इनिशियल कॉस्ट या मेजरमेंट एट रिकग्निशन, जिसको हमने यहां पे नाम दिया क्या, इनिशियल कॉस्ट। और बेटा बात सुनिए, कॉस्ट के अंदर आनी है यहां पे 3 चीजें, राइट? एक आएगी इसमें परचेज प्राइस, दूसरा आएगा उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरी कॉस्ट आती है उसको हम लोग बोलते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब इसके अंदर की कहानी है, फिर इसके अंदर की कहानी है, और फिर इसके अंदर की कहानी है, यानी कि परचेज प्राइस है, कॉस्ट के अंदर कितनी तरह की कॉस्ट आनी है, 3 तरह की कॉस्ट आनी है। एक है आपका परचेज प्राइस, दूसरा है आपके पास डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरा आपके पास डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डन। अब मुझे बताइए आप लोग की अगली क्लास कितने बजे है और हमारा टाइम कितना? हाँ ओके, तो इसका मतलब मैं इस टॉपिक को अभी फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकता। आप सुनिए बेटा, इस पर तो चले हम इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में बात करेंगे, और ये जब एरिया कवर अप हो जाएगा, यानी कि परचेज प्राइस पे बातें हैं, बातें छाते हैं, ठीक, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐसे ही पूछता हूं होती क्या है, व्हाट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, एनी आइडिया? ओके, डायरेक्ट, कौन सी डायरेक्ट? देखे एनी आइडिया आप लोग ने, जैसे मैं लिख रहा था तो कुछ लोग को आइडिया था, वो बता रहे थे डिसमेंटलिंग और डायरेक्ट। व्हाट इज इन सिंपल वर्ड डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट? सर एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो कॉस्ट इनकर होगी उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। सर एक दफा फिर से बोल दें, एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो कॉस्ट इनकर होगी उसको बोलते हैं डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। एक और अंदाज, सर एसेट को डिजायर्ड लोकेशन पे और डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए जो कॉस्ट इनकर होगी, ठीक, ताकि मैनेजमेंट उसको अपनी इंटेंशन के मुताबिक इस्तेमाल कर सके, ठीक, इसको भी हम लोग किस नाम से पुकारेंगे? डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। हम यहां पे बेसिकली कुछ, अब मैं ये बोलूं कि यार एनी कॉस्ट विच इज इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू ए डिजायर्ड लोकेशन एंड डिजायर्ड कंडीशन इंटेंडेड, ओ वेरी इंग्लिश, ऐसा नहीं करना है हमने।
हमने यहाँ पे बात करनी है इस तरह से कि आपके वो दिमाग में बात बैठ जाए। जैसे मैंने अभी आपसे क्या बात बोली, ओ भाई एसेट को चालू करने से पहले जितनी अपन कॉस्ट लगाएंगे ना वो होगी कौन सी, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। तो सर एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने से पहले जो कॉस्ट इनकर होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। थोड़ा सा और इंग्लिश, सर एसेट को डिजायर्ड लोकेशन में, डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए जो कॉस्ट मैनेजमेंट इनकर करेगी ताकि वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उससे फायदे हासिल कर सके, तो उसको भी क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल। यहाँ पे एसेट की बात हो रही है, सही है। इंशाल्लाह हम लोग फिर कल की क्लास में मिलते हैं, ये काम होगा, इसमें थोड़ी सी ये काम की थ्योरी डिस्कस करेंगे, बेटा बात सुने, ये थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है फिर हमारा सब्सिक्वेंट कॉस्ट पे काम होगा, और सब्सिक्वेंट कॉस्ट पे काम होने के बाद हम जाएंगे एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पे जाएंगे। अच्छा, बीच में सवालात भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हमारा शुरू होगा डेप्रिसिएशन वाला एरिया, कौन सा, PRC 4 वाला। अच्छा एक और बात सुनिए बेटा, हमने जो भी अभी बातें की हैं बहुत सारे लोग पहले से जानते होंगे या जो नहीं भी जानते होंगे, कोई ना कोई बारीक चीजें क्लियर हुई हैं नहीं हुई हैं। जाते जाते मुझे ये बता दीजिए कि यार हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे एसेट की, एसेट की डेफिनेशन क्या होती है। मुझे जरा एसेट की एक थोड़ी सी इंग्लिश डेफिनेशन सुनाएंगे आप, अपने पास अगर नोट करनी है तो नोट कर ले, मैं ऐसे ही बता भी देता हूं। एसेट जो है वो एक रिसोर्स है, एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी आउट ऑफ विच इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल टू फ्लो टूवर्ड्स एंटिटी। हेलो, मैं तो बहुत इंग्लिश बोल दी, मैंने आपसे क्या बात बोली, एसेट जो है बोलो एक रिसोर्स है। अब मैं आ रहा हूं PRC 4 वाले एरिया पे, एक मिनट लास्ट। एसेट जो है बोले क्या है, रिसोर्स है जिस पे हमारा क्या है बोले, कंट्रोल है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल, बोले बस खत्म कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, सॉरी हाँ खत्म कर रहा हूं मैं। कंट्रोल से मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली यार देखें, बोलना तो कुछ ना कुछ तो है, ये मार्कर मेरा है समझ आई, और इसको मेरी इजाजत के बगैर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इधर बात सुनो, और इसको मैं बखूबी यूज करने की सलाहियत रखता हूं। मैंने आपको मैसेज दे दिया, ये चीज मेरी है, इसको मेरी इजाजत के बगैर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक समझ रही बात, और इस चीज को इस्तेमाल करने की मैं पूरी सलाहियत रखता हूं। ऐसे क्यों देखते हो यार, मैंने तो सिंपल एक बात की है, उस मैं मार्कर की बात कर रहा हूं, कंट्रोल। देखो आप अपने दिमाग में बात को जिस अंदाज से भी लें, लेकिन मैसेज आपको कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर मैं बोलूं ओ भाई ये चेयर मेरी है, इसको मेरी जात के बगैर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, और तो और मैं बैठ के इसमें आराम से मजे ले सकता हूं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।